हेलो। तो अचानक से हम आए हैं कहाँ, फूल देई किचन, फूल देई के दिन, फूल देई के दिन, फूल देई किचन। प्रज्ञा कुछ कुछ लेके आई थी तू मेरे लिए, वो ले आना। अब बता प्राइस, बता बता। तो कल शाम को जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो गर्मी हो रही थी ना वो एटलीस्ट ख़त्म हो गई है। मतलब ठंडा ठंडा फील हो रहा है कल शाम से भी और अभी सुबह भी। और बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, सभी को स्वागत है आपका स्नेहा भाई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। सामने का नज़ारा देखिए, क्या सुंदर लग रहा है। उधर साइड अभी बादल वादल है, मेरी चल रही है चाय और सुबह सुबह चाय मिल गई है और धूप ऊप मस्त खिल गई है। थोड़ी देर में निकलना है मुझे सिनलेक को, घर को। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और तैयार हो गया हूँ मैं, बिल्कुल रेडी हूँ घर जाने के लिए। बस थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता करके निकलता हूँ। स्नेहा ने बोला था कि सुरखाल इतने टाइम के बाद जा रहे हो तो दिखाना आसपास किस किस टाइप का हो रहा है, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ इसी बहाने। तो सामने है सुनुणा वाला इलाका जहाँ हल्के हल्के बादल लग रखे, और ये है दसाईथल, ऊपर लंकेश्वर वाली पहाड़ी। जय हो लंकेश्वर महादेव। और देखिए अखरोट के पेड़ में हल्की हल्की पत्तियाँ आ रखी हैं, बाकी सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन आम का पेड़ काफ़ी हरा भरा लग रहा है और काफ़ी फ्रूट्स आ रखे हैं इसमें, फ्रूट मतलब फल लगने वाले हैं इस पर। और बाकी नीचे साइड की बात करूँ तो यहाँ तो काफ़ी हरियाली नज़र आ रही है, सिर्फ खेत सूखे सूखे लग रहे हैं बारिश न होने के कारण। तो थोड़ी देर बाद मैं भी निकलता हूँ। सुबह सुबह स्नेहा का फ़ोन आ गया है कि पापा बोल रहे हैं फटाफट घर को आ जाना लंच तक, तो लंच तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल चलते हैं नीचे और बैग वैग रेडी करता हूँ, बाकी तैयार तो मैं हूँ ही, ऑलमोस्ट तैयार हूँ, तो सीधे निकलते हैं फिर घर को। नोनू, आज मैं जा रहा हूँ, तू भी आएगा मेरे साथ? हाँ। पक्का? ओके बाय बोल दे फिर मेरे को। बाय। जा रहा हूँ मैं, बाय। कुत्तों से मिलने आएगा? हाँ। आना फिर। हाँ, तो यार दोपहर के बज रहे हैं अभी 2:30 और मुझे पहुंचना था 12 बजे तक घर लंच वंच के टाइम पे, लेकिन हुआ ये कि अभी वैसे मैं पहुंचा हूँ खिलाड़ी और पहुंचना चाहिए था 12 बजे तक घर, लेकिन हुआ ये कि मार्केट का, वैसे मेरा कुछ प्लान नहीं था आज व्लॉग व्लॉग मार्केट वार्केट का कुछ ऐसा करने का, लेकिन हुआ ये कि मैं जैसे ही मार्केट पहुँचा हर्षित मिल गया। हर्षित ने बोला चलो कॉफ़ी पी के आते हैं, और कॉफ़ी पीने गए तो पहुँच गए फूलदेई किचन। फूलदेई किचन मैं जाने के बाद पता चला कि ये फूलदेई किचन है, और मैंने जैसा सोचा था फूलदेई किचन वैसा वैसा नहीं है, कहीं अच्छा है उससे, काफ़ी स्पेसियस है। मतलब मेरे को लगा छोटा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसियस है और मस्त जगह है और लोकेशन भी काफ़ी मस्त है। बाकी फूलदेई किचन जिनका है वो मित्र हैं हमारे, तो उनसे भी मुलाकात हुई। फिर उसने प्रज्ञा रावल ने कुछ बना रखा था मेरे लिए, वो सब भी मैं दिखा दूँगा आपको। तो आप लोग, कुछ क्लिप्स मैंने फूलदेई किचन में शूट की हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हो पाया, तो लेट हो रहा था वैसे मैं, लेकिन जितना भी कर पाया, तो वो सब देखिए। तब तक मैं पहुंच जाऊंगा घर, फिर मिलते हैं। क्या बात है, बड़ा गोरा लग रहा है, मजाक कर रहा है क्या? कॉफ़ी के लिए आंखें सेकता हुआ बंदा, फाइनली कॉफी। इसके अंदर हार्ट हार्ट तो बनाते यार कुछ है। हार्ट अदोगी तेरे लिए पीना ही तो है, हार्ट पेट में जाके कौन सा रहने वाला ही है।
मिठाई चोर मिठाई चोर बंदा ये फिर से। हेलो। तो अचानक से हम आए हैं कहाँ, फूल देई किचन, फूल देई के दिन, फूल देई के दिन, फूल देई किचन। प्रज्ञा कुछ कुछ लेके आई थी तू मेरे लिए, वो ले आना। और तूने वो भी तो लगा रखे हैं यहाँ पे कुछ है। सेल के लिए तेरे ही बनाए हैं क्या सारे? वाह बड़े अच्छे अच्छे बना रखे हैं, ये सब सेल के लिए है। इसमें से कुछ बिकेंगे तो कमीशन भेज देना। अब बता प्राइस, बता बता। हाँ अब बताओ प्राइस। गाइस ये है 2500 रुपए का। आप लोग इसमें से अगर बिक जाएगा, अगर बिक गया तो मेरा कितना कमीशन? आपको 200 रुपए कमीशन दिया ठीक है, काफी है, ठीक है काफी है। और ये वाला जो है ये 800 का है और ये 1500 का है। बहुत सही बना रखे, सब इसी ने बनाए क्या? ये बड़े सुंदर सुंदर बनाए हैं, मैंने 4-5 बेच भी दिए। सही है। तो पुसु यानी प्रज्ञा करा रही है हमको अपने होटल के दर्शन, सारा सारा कुछ घुमा रही है और कमरे वमरे दिखा रही है। अभी चाबी आ रही है नीचे से। ये सेकंड फ्लोर है ना, सेकंड या फर्स्ट जो भी कहते हैं, थर्ड है ये? नहीं नहीं फोर्थ है वैसे। अच्छा नीचे बेसमेंट में भी है क्या कुछ? नीचे वो क्रिकेटर जो वर्कर्स वो रहते हैं और सेकंड पे बैंक्वेट हॉल है और मूवी सेट है और थर्ड पे रेस्टोरेंट और बाकी शॉप वगैरह है। थर्ड पे फोर्थ पे तो देखिए मैं तो 404 ही तो है। नहीं चाहिए दूसरे रूम में के सब जी। ब्रह्म कमल नंदा देवी थोड़ा यूनिक से है और हाँ लाइट कहीं से ऑफ है शायद। हाँ इसमें तो ऐसे कुछ हैं रूम, यहाँ सुंदर सुंदर रूम। इस साइड क्या है, बाथरूम? हाँ इधर वॉशरूम। और उस साइड पर्सनल किचन और यहाँ से व्यू का आनंद ले सकते हैं। अंदर है यार रूम, क्या प्राइस रहता है इनका? पर नाइट बहुत सस्ते हैं, कोई कोई भी आ सकता है इधर। हाँ, कोई भी आ सकता है। हाँ, और इसमें से माही के उससे तुम्हें डिस्काउंट लगेगा, मेरा नाम लेके थोड़ा बहुत लग जाएगा। चले नीचे। हाँ, चल। ये कौन बजाता है? ये किंतु जी। नंदिश भी तो बजाता है ना? वो बकवास बातें करता है। ये मैं नहीं भी खाऊंगा तो। दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं पहुंच गया हूं घर पे, थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं और पहुंच गया हूं छोटू के पास। क्या कर रहे है? जब से मैं आया हूँ ना तब से सोई है और ये कल से ही सोई है, मतलब इसको पता नहीं बुखार उखार हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसकी वजह से ना इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है अभी, मतलब वो थोड़ा सा दूध पी रही है फिर सो जा रही है, इस टाइप का हो रहा है उसको। रो भी नहीं रही है ना आज ये ज़्यादा? रो ही नहीं रही है ज़्यादा, क्या कम गया? रो ही नहीं रही है। और सोती कैसी है देखो, पूरा मुँह अपने ही हाथों से ढक के। ओए उठ जाओ चलो, गर्दन कहाँ को लगा रखी है? ऐसे करती है देखो तो, यहाँ को सोती है अपने मन से। ओए और जा, देखो तो ये ऐसे सोई है। ओए और जा रे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। इसको कितना मैं इधर को करती हूँ ना ऐसे, फिर वहीं को क्या चले जाती है अपने मन से, शायद इसकी पोजीशन यही रही होगी ना। ओए बस अंगड़ाई लेते रहती है। ये
वो देखो तो चल उठ जा बेबी, उठ जा, हम तेरे को परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उठ जाओ, गुस्सा नहीं। देख तू कैसे अंगड़ाई ले रही है। तो एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था ना, हमारी लकड़फड़ाई हुई थी, तो गांव के लोगों को बोला था एक एक भड़क लाने को, तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आ चुके हैं, थोड़े बहुत वहाँ बचे होंगे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है उनको। पूरा बारिश वाला सीन हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी को कवर पहनाने, ताकि गाड़ी को ठंडा ना लगे। आज फुलदेई किचन जाके क्या मस्त वाली फीलिंग आई। आज फर्स्ट टाइम मैं फुलदेई किचन गया, क्या मस्त डेकोरेट किया है और सुपर्ब वाला खाना खिलाया गित्तू ने, प्रज्ञा ने, मस्त। किसी दिन पूरा सेपरेट ब्लॉग एक फुलदेई किचन का बनाएंगे, जो भी चीज़ें आज थोड़ा टाइम की कमी थी इस वजह से, अगली बार जाके पूरा एक ब्लॉग फुलदेई किचन। और प्रज्ञा ने जो गिफ्ट किया था बहुत पहले से बोला था उसने, तो वो दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। बाकी प्रज्ञा को उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया। तो पुस्सू ने जो गिफ्ट दिया था ना वो ये है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। इसमें गणेश जी, और देखो इसमें कितना काम हुआ पड़ा है, बहुत बारीकी से बनाया गया है। तो इसके लिए पुस्सू को ढेर सारा धन्यवाद, यहाँ पे लिखा है पुष्पांजलि